नमस्ते, दिस इज पूजा। इंडियन ट्रेजर्स में आपका स्वागत है। वड़ा पाव तो सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन दो खाना ज़्यादा हो जाता है, एक से मन नहीं भरता। तो उसी पोर्शन कंट्रोल के लिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मिनी वड़ा पाव, जिसे बनाना भी इजी है और जल्दी बन जाता है, देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इनको। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ये आलू 4 से 5 बॉइल्ड, जिनको मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, रेड चिल्ली पाउडर, हरा धनिया, और अब हम इसके लिए एक टेम्परिन बनाएंगे। टेम्परिंग पैन में ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल, तेल गरम हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम मस्टर्ड सीड्स, सरसों के दाने, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को आप स्किप कर सकते हैं। साथ ही में थोड़े से करी लीव्स, और अभी टेम्परिंग जाएगी हमारी आलूओं के अंदर। साथ ही इसमें डालेंगे जिंजर और गार्लिक। गार्लिक इसमें थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, तो मैंने ये पूरा एक गार्लिक लिया है। और अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा टेम्पटिंग सा आलू का मिक्सर रेडी है। अब हम बेसन का घोल रेडी कर लेते हैं। अब ये बेसन में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक थिक सा घोल बना लेंगे। इसको थोड़ा फेंट भी लेंगे, जिससे कि बेसन अच्छे से फ्लफी हो जाए। ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, हमें ऐसा ही घोल रेडी करना है। अब हम ये आलूओं से बहुत छोटे छोटे से टेनिस की बॉल के बराबर बड़े बना लेंगे। ये हमने छोटे छोटे मिनी बॉल्स बना लिए हैं पोटैटो मिक्सचर से। अब हम इनको बेसन के घोल में डालेंगे। ऑयल भी हमारा रेडी हो गया है, गरम हो गया है। बेसन के घोल में से आलू लेकर डालते जाएंगे।
ये मिनी वड़ा दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो उनके सामने ज़रूर इनको सर्व करिए। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए ऐसी ही ईजी और डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए। और वड़ों को उलटते पुलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेक लेंगे। वड़े हमारे अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्च भी फ्राई कर लेते हैं, लेकिन हरी मिर्च को जब हम डायरेक्टली कढ़ाई में डालते हैं तो वो एकदम से बाहर निकल कर आती है, तो उससे वो हम लग भी सकती है कभी फेस पर या कहीं भी। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक ये है कि जो छलनी होती है, मतलब जिससे हमने अभी इनको पलटा था, उसमें हम हरी मिर्च को लेंगे और ये इस तरह से डिप कर करके हम मिर्च को फ्राई कर लेंगे। तो जब भी आप अगर लगे कि मिर्च कोई फटने वाली है तो आप तेजी से इसको ऐसे ऊपर कर सकते हैं। ये देखिए है ना कितना आसान इसको करना, कितनी अच्छी ये एक ट्रिक है। चलिए मिर्ची भी हमारी फ्राई हो गई है, इनको भी निकाल लेते हैं। अब ये पाव हैं, इनको हम बीच में से कट करके अलग कर लेंगे दो पीसेस में। और अब इसमें हम बीच में से होल कर लेंगे। ये देखिए अब इसी तरीके से हम बाकी के बन में भी होल कर लेंगे बीच में से, लेकिन नीचे से जुड़ा रखना है इसको। ये देखिए अब हम अपने मिनी बन की असेंबली करेंगे। इसके लिए हम बन के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे वड़ा पाव का मसाला। उसके बाद हम ये अपना जो मिनी वड़ा है वो रखेंगे, हल्का सा प्रेस कर देंगे जिससे ये फिक्स हो जाए बाहर ना निकले। हरे धनिया की चटनी लगाएंगे सब तरफ। थोड़ा सा वड़ा पाव का मसाला और डालेंगे, मसाला डालेंगे वड़ा पाव का, वड़ा रखेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे। कितना क्यूट लग रहा है ये, प्रेस करेंगे हल्का सा। अब धनिया की चटनी लगाएंगे, थोड़ा सा मसाला और स्प्रिंकल करेंगे एंड दिस इज रेडी। साथ में तली हुई मिर्ची रखेंगे और हमारे बहुत ही खूबसूरत से और टेस्टी मिनी वड़ा पाव रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।